नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक नए क्रिस्टल के साथ आए हैं। बहुत टाइम हो गया था, हमने किसी भी नए क्रिस्टल के ऊपर बात नहीं किया था, तो ये सीरीज चलती रहनी चाहिए, नए नए क्रिस्टल्स में जुड़ते रहने चाहिए। तो मैं तो चाहती ही हूँ कि आपको नए क्रिस्टल के बारे में हमेशा बताती रहूँ, जिससे कि आप उन क्रिस्टल को यूज करके उसकी हेल्प लेकर अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव करें। तो सबसे पहले बोलूंगी कि वीडियो को देखते ही, शुरू करते ही ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरीके के वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, तो इसे बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस टाइम बहुत ही दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो बहुत टाइम से वीडियो बना नहीं पाई हूँ, कुछ भी मैं इसके ऊपर पोस्ट नहीं कर पाई हूँ चैनल के ऊपर। तो आज फिर से आपके लिए शुरू करते हैं एक फ्रेश स्टार्ट से, और नया एक क्रिस्टल सुनते हैं, सीखते हैं उसके बारे में। सर्पेंटाइन, नाम ही की तरह सर्पेंट, जो कि हम सांप को बोलते हैं, इसके कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, यू नो, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज कलर्स। कभी कभी किसी में आपको ब्लू का ज़्यादा कलर दिखेगा, किसी में ग्रीन का ज़्यादा दिखेगा, किसी में किसी का इफेक्ट ज़्यादा होगा किसी क्रिस्टल में। जैसे हाथ में अगर आप क्रिस्टल को लेंगे तो किसी का इफेक्ट, पर नॉर्मली ऐसे ही कलर्स में ये क्रिस्टल पाया जाता है। ये जो क्रिस्टल है ये रशिया, इटली, यूएसए और जिम्बाब्वे, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज से हमें मिलता है। ये जो क्रिस्टल है ना, ये कुछ खास क्रिस्टल है, अलग क्रिस्टल है, मतलब ये बाकी क्रिस्टल के जैसा नहीं है, क्योंकि ये क्रिस्टल सबसे पहले तो इट इज़ अ क्रिस्टल विच कनेक्ट्स यू विथ अर्थ एलिमेंट। ये आपको अर्थिंग जो होती है ना, हम जो कहते हैं कि अर्थिंग स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन कहलाता है। ये क्रिस्टल आपके कुंडलिनी जागरण में बहुत हेल्प करता है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं और रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, या चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनका कुंडली जागरण हो जाए जल्दी, उनके लिए बहुत कमाल का स्टोन है, क्योंकि ये जो है ये कुंडली जागरण के लिए जो पाथ होता है उसको बहुत जल्दी क्लियर करता है। ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। ये जो क्रिस्टल है, ये आप जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे इस क्रिस्टल से, उनको बहुत ही एक अलग फीलिंग, एक अलग कनेक्शन आएगा। ये आपके क्राउन चक्रा को स्टिमुलेट करता है। ये जो क्रिस्टल है ये आपके कुंडलिनी जागरण में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ आपके अंदर एक फॉरगिवनेस की फीलिंग जो होती है ना, कि माफ़ कर देने की ताकत ये आपको देता है। इसी के साथ साथ ये आपकी बॉडी के इम्बैलेंसेस को, आपके चक्रा के इम्बैलेंसेस को दूर करता है। आपके जो पुराने इमोशनल बैगेजेस चले आ रहे हैं उनको हटाता है, उनको क्लीन करता है। आपके रिलेशनशिप में आप बेटर फील करते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है, ये इसमें लाइट ग्रीन कलर का भी क्रिस्टल आता है। स्पेशली जो लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, वो आप देखेंगे कि आपके किसी भी तरीके के पेन, यानी कि जैसे मेंस्ट्रुअल पेन हो गया या फिर मस्कुलर एक्स हो गए, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये क्रिस्टल। मैंने बोला ना, कुछ अलग टाइप का क्रिस्टल है, तो जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हैं वो ज़्यादा इस क्रिस्टल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हर किसी को होता है ना, वाइब्रेशन समझ में नहीं आएगी इस क्रिस्टल की। तो ख़ास तौर पे जो लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि ये एक्स को दूर करता है, मेंस्ट्रुअल पेन को दूर करता है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब आप इसको यूज़ करते हैं, यूज़ इन द सेंस आप इसको या तो पहनते हैं या आप इसको होल्ड करके मेडिटेट करते हैं, तो आपकी बॉडी में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें होते हैं। तो बहुत ही कमाल का क्रिस्टल है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ से भी क्रिस्टल लें, कोशिश कीजिएगा कि आपको ओरिजिनल स्टोन मिले। हर जगह से सस्ते के चक्कर में क्रिस्टल बाय मत कीजिएगा, किसी जेन्युइन स्टोर से, जेन्युइन शॉप से, जेन्युइन साइट से जाके ही आप इसको लीजिएगा। तो बहुत कमाल का क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्रिस्टल की सीरीज़ में एक नए क्रिस्टल के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। नमस्कार।